हेलो फ्रेंड्स, इस साल की रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। ये एग्जामिनेशन ऑल ओवर द इंडिया होगा। ये ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स लेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नोटिस नंबर की तरफ। आपको ये नोटिस नंबर याद रखना है, CEN01/2018। और जैसे कि मैंने बताया, यह असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली है। इसका स्टार्टिंग डेट 3/2/2018 है और क्लोजिंग डेट 5/3/2018 रात को 12 बजे है। और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और अप्रैल और मई के बीच में इसका डेट पड़ेगा। और एग्जामिनेशन डेट आप RRB के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया है कि आप 5/3/2018 के पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। अब चलेंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसको समझते हैं। एक कैंडिडेट अगर उसका प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजल्ट अगर उसके पास नहीं है तो वो ये एप्लीकेशन ना भरे, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरे, वरना उसका एक से ज़्यादा जो भी एप्लीकेशन वो भरेगा सारे ही रद्द हो जाएंगे। और एक कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरे गए इन्फॉर्मेशन के ऊपर निर्धारित किया जाएगा, तो इसीलिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन गलत मत भरिएगा। अब देखते हैं इसका पे स्केल। ये लेवल 2 का पे स्केल देगा, जिसका इनिशियल आपको पे मिलेगा, शुरुआती पे मिलेगा 19,900 रुपये और अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। अब आते हैं इसके एज रिक्वायरमेंट पे, जो 18 से 28 साल तक है और वो निर्धारित किया जाएगा 1/7/2018 तारीख को फ्रेंड्स में लेके। अब इसका एग्जामिनेशन में आते हैं। इसमें दो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। दोनों ही ALP और टेक्नीशियन के लिए सेम होंगे, मगर ALP वाले अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं इन दोनों स्टेजों में, उसके बाद उनका तीसरा एक स्टेज होगा जिसका नाम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, जिसमें बताया गया है कि आप सिर्फ एक RRB सेंटर चूज करिए और उसके वैकेंसी के हिसाब से अपना प्रेफरेंस सेट करिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हर कैंडिडेट पूछता है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो हाँ, एक नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपका एक तिहाई नंबर काट लिया जाएगा, मगर ALP देने वाले कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगला पॉइंट जो हर कैंडिडेट ही जानता है, बट कुछ न्यू कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच और कोई भी कम्युनिकेशन करने वाले डिवाइस को एग्जामिनेशन हॉल में मत लेके जाइएगा। अब आते हैं 12 नंबर पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो वैलिड और चालू होना चाहिए, क्योंकि आपको SMS RRB की तरफ से मिलते रहेंगे तब। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट्स को बोला गया है सिर्फ RRB का जो साइट्स है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया हुआ है उसी में से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें, ताकि आप फेक से बचें। और जनरल इंस्ट्रक्शन आता है अब, जो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म से पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक का लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ फिर से बोल दिया गया है कि जो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो ये एप्लीकेशन फॉर्म ना भरे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो आपके मेट्रिकुलेशन रिजल्ट में है आप वही भरिएगा। और अब आते हैं वैकेंसीज के तरफ। ALP और टेक्नीशियन का जितने भी वैकेंसीज है कास्ट वाइज वो यहाँ लिस्ट दे दिया गया है, आप उस फॉर्म से देख लीजिएगा जो आप मेरे ग्रुप से लेंगे। और टोटल वैकेंसीज है 26,502। अब आते हैं मेडिकल के तरफ। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो होगा आपकी आई साइट।
और भी डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड के लिस्ट दे दिया गया है, आप उस फॉर्म से देख लीजिएगा। और अगर आपको डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड का लिस्ट चाहिए तो वो आप indianrailway.gov.in से जाके देख सकते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है ALP के पोस्ट वालों के लिए, उनके लिए मेडिकल टेस्ट में विज़न और फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा। और अगला क्राइटेरिया है नेशनलिटी या सिटीजनशिप का, जो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है एज लिमिट, जो मैंने बता दिया आपको 18 से 28 साल तक, और 1/7/2018 को ध्यान में रख के। और उसके बाद रिलैक्सेशन जो कास्ट वाइज मिलता है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस, जिसमें ऑल कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ करके चार्ज लगेगा। और SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस को 250 करके देना पड़ेगा। और अब देखेंगे कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5/3/2018 का रात 11 बजे तक पे कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले SBI ब्रांच से 5/3/2018 दोपहर 1 बजे तक चालान काट सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस वाले 3/3/2018 1 बजे तक कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस से चालान काट सकते हैं। अब चलिए देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था, एक इंसान एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, या ALP के लिए या टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। और इसमें दो स्टेज होंगे, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। और ALP वालों के लिए एक अलग टेस्ट होगा, जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम देखेंगे एक एक एग्ज़ाम का डिटेल्स, कैसे और कितना मिनट ड्यूरेशन और कितना क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में 60 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसका मिनिमम क्राइटेरिया अपने अपने कास्ट के हिसाब से आप यहाँ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। और इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर आएगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम पे, जिसमें ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का होगा। इसमें दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसको मिला के 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। और इसका सिलेबस मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये 4 होंगे। अब देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, 75 क्वेश्चन होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 35%। और डिग्री, डिप्लोमा और HSC मतलब 10+2 के कैंडिडेट्स अपना ALP अपने फील्ड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिप्लोमा और डिग्री के डिसिप्लिन दे दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और HSC जो 10+2 फिजिक्स प्लस मैथ है, वो भी अपना ये डोमेन चूज़ कर सकता है। और ALP वालों के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें मिनिमम स्कोर आपको 42 करना पड़ेगा, जो हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट सिलेक्शन 70% हिसाब होगा पार्ट ए, जो सेकंड स्टेज में एग्ज़ाम दिए हैं उसके नंबर के ऊपर, और 30% वेटेज होगा आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। अब देखते हैं आप कैसे इसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं, और यहाँ आपको JPG फाइल के फॉर्मेट के फ़ोटो लगेंगे कलरफुल, जिसका साइज होगा 15 से 40 KB के बीच का, ओके। और SC/ST का सर्टिफिकेट जो भी होगा,
जिनके हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, और बाकी जहाँ जहाँ आपको फ़ोटो लगेगा वहाँ आपको वही फ़ोटो लगाना पड़ेगा जो 15 से 40 KB का होगा। तो यहाँ देखिए सारे RRB के वेबसाइट दिए हुए हैं, आप जिस सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस RRB के वेबसाइट में जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ हर सेंटर का हेल्पलाइन फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप उसका मदद भी ले सकते हैं। और मैंने जो फॉर्म दिया है उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC और ST भी आपको मिल जाएगा। उसमें OBC का भी सर्टिफिकेट है, और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए भी उसमें जो सर्टिफिकेट जरूरी है वो दिया हुआ है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सर्टिफिकेट जरूरी है वो भी दिया हुआ है। और अगला है वेवर के लिए, जो मतलब आप फीस वापस मांग सकते हैं माइनॉरिटी क्लास के लिए। और उस फॉर्म में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, जिसका एम्प्यूटेशन, कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स और ब्लाइंडनेस है, उसके लिए भी वो फॉर्म दिया हुआ है उसमें। और उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी का भी फॉर्म दिया हुआ है। और Form 2 और 3 में जो Form 4 का विवरण किया हुआ है उसका भी Form 4 यहाँ दिया हुआ है। और विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए जो जिनका राइटिंग स्पीड उनके पैरालिसिस के लिए इफेक्ट होता है उनका भी फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ALP और आईसाइट स्पेशलिस्ट का भी मैंने फॉर्म दे दिया है। और उसके बाद यहाँ सारा पोस्ट डिटेल में समझा के दे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप फॉर्म डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाना चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप में जाना चाहे तो फेसबुक ग्रुप में जा सकते हैं। आप जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट करके फॉर्म ले लीजिएगा। थैंक यू।